तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूँ प्रतीक्षा, सहायक अध्यापक। शिक्षक भर्ती जो है पेपर हो चुका है 6 जनवरी का, और अब आपको वेट है आंसर की का, के आंसर आप जो करके आए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, उनके आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि उसी के बाद पता लगने वाला है कि आपका स्कोर कितना होने वाला है, और उसके स्कोर के हिसाब से जो मेरिट बनेगी उसमें आपका नाम होगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पेपर जो ये मेरे पास है वो है सी सीरीज, तो सी सीरीज आपको सॉल्व करनी है। अगर आपका कोई और सीरीज है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो सी सीरीज में जो जीके और करंट अफेयर है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हुई है, और आपकी सीरीज में जहाँ से भी स्टार्ट हुई है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्वेश्चन पहला, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 3, सुनील अरोड़ा। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और पूरी कोशिश की गई है कि जो आंसर है वो बिल्कुल 100% आप तक सही पहुंचे। और बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है अश्व घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है, और अगर आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे उसी क्रम में आपको बाकी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बस आपको पहला क्वेश्चन ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? सही जवाब ऑप्शन 4, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 3, 133वां। नेक्स्ट है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, गोरखनाथ। और जो हमारे आदित्यनाथ जी हैं यूपी के सीएम, वो भी इसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, यक्षगान। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है? सही जवाब है इसका ऑप्शन 1, कजरी के लिए। ऑप्शन 1 कजरी के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो सी सीरीज का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो आपने देखा होगा जो करंट अफेयर है वो 6-7 महीने के ही हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 6-7 महीनों के इवेंट से पूछे गए हैं, और आपने अच्छे से किए होंगे तो आप आसानी से इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। तो 100वां एयरपोर्ट जो बना है वो सिक्किम में बना है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? सही जवाब है इसका ऑप्शन 2, खुर्जा में। जो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान है वो खुर्जा में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट ऑप्शन ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसका सही है, भरत वाटवानी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है ऑप्शन 1, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। तो आपने अगर अनअकैडमी पर मेरा कोर्स देखा है करंट अफेयर का, तो आप देखेंगे सभी ज़्यादातर क्वेश्चन जो 99% क्वेश्चन है आपको उसी कोर्स में से मिल जाएंगे, क्योंकि अब मैंने जून से लेकर दिसंबर तक का सभी करंट अफेयर जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट करवाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा नहीं की गई है उसका आंसर है साहित्य। तो इस बार साहित्य से
किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों से मिला है, लेकिन साहित्य से किसी को भी इस बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन 2, हिंदी मीडियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, कटोविस पोलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 1, नेपाल। ऑप्शन 1 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ऑप्शन 3, कालिदास को। नेक्स्ट इज, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2017 में ही कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कथकली किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथकली आपने देखा होगा बड़ी बड़ी आंखें करके डांस करते हैं, तो वो करते हैं केरल के लोग, केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। नेक्स्ट है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का संबंध है ऑप्शन 3, निशानेबाजी से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, तो ये ज़्यादातर सभी अभ्यर्थी सही करके आए होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि बहुत चर्चित रहा है ये, और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है, तो इसका नाम बताना है, कौन सी पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 4, ट्रेन 18। नेक्स्ट इज, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन 4, प्रत्युष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? सही जवाब ऑप्शन 3, द शेप ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 130वां। नेक्स्ट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पर अभी हाल ही में मूवी भी बन चुकी है, और इसके सही जवाब है ऑप्शन 2, संजय बारू। तो संजय बारू ने ये पुस्तक लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई है? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन 4, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए ये बुक उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है? सही जवाब एना बर्न्स, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका एना बर्न्स है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 30 होते हैं कंप्लीट जीके एंड करंट अफेयर के। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पार्ट के क्वेश्चन देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि अपलोड हो नेक्स्ट वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको सही आंसर पता लगे, जिससे कि आपको अपने नंबर्स के बारे में पता लग जाए कि आप कितना स्कोर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।